अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री के बच्चों, उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने नज़म पढ़ी थी रानी की बिल्ली गुड्डू का कुत्ता। रानी की बिल्ली गुड्डू का कुत्ता दोनों के दोनों मर गए हाय। गुड्डू का कुत्ता फाके का मारा, गोश्त कलेजी खा के बेचारा करता रहा कुछ रोज़ गुजारा। पिछले महीने सर्दी जो आई, पास न तोशक थी न रजाई। तोशक मीन गद्दा या बिस्तर, रज़ाई लिहाफ जो हम कभी ब्लैंकेट ओढ़ते हैं कभी लिहाफ ओढ़ते हैं सर्दियों में, वो होती है रज़ाई। छींके भी आई खांसी भी आई, रह गया घुल के एक तिहाई। घुल कर मीन वो गल गया, एक तिहाई मीन तीसरा हिस्सा वो गल गया भूख की वजह से। ताप ने आकर कर दी चढ़ाई, ताप फीवर को बुखार को बोलते हैं। लेटा जो एक दिन खा के दवाई, पहलू ना बदला सांस ना आई, पहलू करवट को कहते हैं। मरना है एक दिन सबको भाई, रानी की बिल्ली चूहों की खाला। दूध का पीकर बड़ा प्याला, खाई निहारी पेट निकाला। चढ़ गया सर को गरम मसाला, डॉक्टर आया देखा भाला। और ये नतीजा उसने निकाला, दाल में है सब काला काला, यानी कुछ गड़बड़ है। काला काला मीन गड़बड़ है। बच न सकेगी बिल्ली की खाला, यानी यहाँ पे हमने नज़म पढ़ी, यहाँ पे दो चीज़ें हमने सीखी कि गुड्डू का कुत्ता भूख की वजह से मर गया, यानी वो कलेजी भी खा रहा था और थोड़ा थोड़ा सा गोश्त भी खा रहा था, मगर सर्दी में उसके पास कोई गर्म बिस्तर नहीं था और वो फाके की वजह से यानी भूख की वजह से मर गया। यानी वो कम खा रहा था, जितनी उसकी ज़रूरत थी उसकी भूख मिटती, इतना खाना उसको मुयस्सर नहीं था, यानी नहीं मिल रहा था, इस वजह से मर गया। अच्छा, मगर इसकी रानी की बिल्ली वो भी मर गई। वो क्यों मर गई? वो बहुत ज़्यादा खाकर मर गई, क्योंकि वो चूहों की जो खाला थी बिल्ली, वो दूध का प्याला भी पी गई। हालांकि दूध पीना बिल्ली के लिए बस काफ़ी होता है, मगर उसके बाद उसने निहारी भी खाई। सालन जो घर में बचा हुआ था बिल्ली के आगे डाल दूँ कोई नहीं खाएगा, तो इस वजह से उसने निहारी भी खाई। उसके बाद उसको जो है उसने इतना सारा जो निहारी वाला, इतनी सी बिल्ली ने गरम मसाले वाली सालन इतने सारे खाए, तो वो ज़्यादा खाने से भी मर गई। यानी इंसान के लिए दोनों चीज़ें बुरी है, कि वो अपनी ज़रूरत से जितनी भूख है उससे कम खाए, या जब पेट भर जाए और खाता जाए तो बहुत ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसान है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि ना इतना कम खाना चाहिए कि हम हमेशा ही भूखे रहें, और ना इतना ज़्यादा खाना चाहिए कि इतना खाना हो जाए कि बिल्कुल पेट फटने लगे। ठीक है, आपने ये नज़म पढ़ी, इसका काम इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने देखी जो मुझे आपको करवानी थी, ये आप ख़ुद देखिएगा। ये ऊपर देखिए तस्वीरी तफहीम। ठीक है, तस्वीरी तफहीम यानी तस्वीरें देखकर उस हिसाब से बातें हम लोग लिखते जाएं या करते जाएं, सोचते जाएं और फिर लिखते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक ननी चींटी का पाँव फिसला, वो नदी में गिर गई। ठीक है, पाँव फिसला नदी में गिर गई, चींटी नदी में डूबने वाली थी, वो चिल्लाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक चिड़िया दरख्त की डाली पर बैठी थी, उसने चींटी को जो डूबते हुए देखा तो उसने क्या किया कि एक पत्ता तोड़ के नदी में फेंक दिया। उसके बाद चींटी उस पत्ते पे चढ़ गई, पत्ता बहते बहते दरिया के किनारे से जा लगा। चींटी पत्ते से उतरकर, ये देखिए पत्ते से उतरकर ज़मीन पर आ गई। चींटी ने डाल पर बैठी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। तस्वीर देखकर ये कहानी बनाई गई है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन फिश की कहानी है, और यहाँ पे आपको ये जुमले चंद बताए गए हैं। डॉल्फिन मछली समंदर के किनारे पानी के बगैर तड़प, बहुत से लोग जमा मिलजुल कर समंदर में धकेला। लोगों ने तस्वीरें, बच्चों ने तालियां बजाई। अब ये तस्वीर देखेंगे, आप ये तस्वीर देखकर इन जुमलों की मदद से कहानी बनाएंगे, यानी कितने 6, 7, 8 जुमले लिखेंगे और ये कहानी बन जाएगी। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, डॉल्फिन मछली समंदर से बाहर आ गई। ठीक है, क्योंकि किनारे पे आ गई थी, समंदर से बाहर किसी तरह से आ गई।
उसके बाद ये लिखा हुआ ना समंदर के किनारे, एक डॉल्फिन मछली समंदर के किनारे समंदर से बाहर आ गई और वो पानी के बगैर, क्योंकि डॉल्फिन समंदर में ही रहती है, तो वो जब पानी से बाहर किनारे पे आई तो वो तड़प रही थी। उसे तड़पता देख के बहुत सारे लोग, क्योंकि डॉल्फिन बड़ी होती है, वो लोग जमा हो गए बाहर, लोग जमा हो गए। फिर मिलजुल कर उन सब ने उस डॉल्फिन को समंदर में धकेला ताकि वो समंदर के बगैर तो तड़प तड़प के मर जाती। सब ने मिलजुल कर उसे पानी में धकेला, क्योंकि वो पानी में जाएगी तो उसे ज़िंदगी मिलेगी। तो मगर पानी में धकेलने से पहले लोगों ने उसके साथ तस्वीरें बजाई, और जब मछली को पानी में फेंका गया तो उसके बाद वो पानी में चली गई, तो बच्चों ने खूब तालियाँ बजाईं, बच्चों ने तालियाँ बजाई। ठीक है, इस बच्चे इस बात पे बहुत खुश हुए कि डॉल्फिन वापस पानी में चली गई। आप इस तरह से ये जुमले बना के कहानी लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, एक वो काम जो आपको रिटन वर्क मिलेगा, एक ये काम जो आप कॉपी में करेंगे। मैं देखूंगी कि आप तस्वीर देखकर किस तरह से इन जुमलों की मदद से कहानी बनाते हो। ठीक है, ये आपका रिटन वर्क है। ऊपर लिखिएगा तस्वीरी तफहीम और नीचे तस्वीर को देख के आप कहानी लिखना शुरू कर दीजिएगा। तस्वीर इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।